दोस्तों ये मैं लेके आया अंडा बॉईल करके और हरी मिर्च हमारे जोधा अकबर के लिए, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है ना, सर्दियों में हमारे जो अकबर जोधा है ना, इनको हम अंडे खिलाते होते हैं बॉईल करके। तो अकबर तो ये फिर रहे और जोधा वो सामने फिर रही है। जोधा इधर आ जाओ, मिलके दोनों ने खाना है। ये लो यार। दोस्तों आपको बताऊं, ये जो अंडा है ना, ये हमारे शिजुका ने कल दिया था, वो मैंने बॉईल करके ना जोधा अकबर को दे दिया। ये हमारे शिजुका का अंडा है। पहले तो हम दूसरी मुर्गियों को खिलाते थे, स्पेशली अंडा है। पहले गरम गरम अंडा खा लो, फिर बाद में दाना खा लेना। पहले दाना खा रहे हैं, चलो ये खुद ही खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पेट्स मार्केट से भाई की कॉल आई है, वो कह रहे हैं आपके लिए मेरे पास एक बड़ी स्पेशल चीज है, जल्दी से ना पेट्स मार्केट पहुंचाओ। तो अभी हम फौरन चलते हैं पेट्स मार्केट, आके अपने पेट्स वगैरह को देखेंगे। और उस केज में ना हमारा बगला है, उसको आके ना हम अपने पेटा उसे आजाद कर देंगे। तो पहले हम पेट्स मार्केट चलते हैं। आज हम ना फर्स्ट टाइम मार्केट जा रहे हैं और गाड़ी पे जा रहे हैं, इसी पे चलते हैं। चलो यार, आज तो सर्दी भी बहुत है। बच्चा बुला रहे हैं। कौन वो? क्या हुआ? वो क्या कह रहे हैं? कांटे वाला चूहा। कहाँ पे? ओए क्या हुआ? बोल रहा है ओ तेरी, मारा तुम लोगों ने? नहीं, इनको मारा इन्होंने? तुम लोगों ने मारा इनको? नहीं, बेचारा यार रो रहा है। दोस्तों यार हमें ना कांटे वाला चूहा मिला है और ना गेंद बना हुआ है गोल, तो ये बेचारा चीख रहा है। मुझे लग रहा है बच्चों ने मारा, ये देख डंडे भी हैं इनके पास। मारा तुम लोगों ने इसको? नहीं मारा। इसको ना मैं सीधा करता हूँ, गोल गेंद बनी हुई है। जब इसके ऊपर कोई बंदा अटैक करता है ना, तो ये अपने आप को ना गेंद बना देता है ताकि इसके ऊपर कोई अटैक ना करे। हाथ उठा रहा है, चल ले आ ले आ ले आ ले उधर ले चल यार। ये ना गोल गेंद बनी हुई है, तो हम इसको खोलते हैं और इसको ना दूध वगैरह पिलाते हैं। पहले भी हमारे पेट हाउस में कांटो वाला चूहा आया था, हमने उसको दूध पिलाया था, बड़े शौक से ये दूध पीते हैं। ले 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 ले, वो देखिए यार जब से इसने पकड़ा हुआ है ना चीखी जा रहा है। इधर ले, इधर इधर ले, इधर ले, इधर रखो, मैं इसके लिए ना बर्तन लेके आ रहा हूँ, दूध देते हैं इसको। ये आ गया चूहे के लिए दूध। वही सीधा हुआ है, बस ठीक है, अभी बाहर निकलेगा ना ये दूध पिएगा। इस कपड़े से उठा के ना इसको दूध के आगे करता हूँ, ये फिर अपना मुँह खोलेगा, दूध पिएगा। वही पी रहा है, वो देखे पी रहा है यार। ये हमारे से डर रहा है, इसलिए गोल गेंद बना हुआ है, दूध तो पी रहा है। साइड पे जो यार, इसको ना तंग करो, मैं जा रहा हूँ पेट्स मार्केट। अगर ये चला जाए ना तो इसको जाने देना, तंग नहीं करना, ठीक है ना। तो हम जल्दी से ना पेट्स मार्केट चलते हैं, कब से यार कॉल आई हुई है। फाइनली दोस्तों हम पेट्स मार्केट पहुँच आए हैं, अभी हम बाहर चलते हैं और भाई से पूछते हैं क्या चीज है हमारे लिए स्पेशल जो इतनी दूर से हमें बुलाया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कौन सी स्पेशल चीज़ है जिसके लिए आपने बुलाया है? आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ मंगवाई है। कौन सी चीज़ है जल्दी बताएं, हम आए भाई दिखाते हैं आप। मग, क्या बात है यार, दे रहा है कहाँ पे है वो भाई, पड़ा हुआ आ रही दिखाया हमें। क्या बात है यार, वाकई यार बड़ी स्पेशल है यार। मैंने तो आपको डक्स कही हुई थी ना, लेकिन भाई ने मग मंगवा दी है। ये पूरा पेयर है ना? लीटर पेयर है। अंडे वगैरह देंगे ना? चलो अल्लाह करे यार, बड़े प्यारे हैं। अभी हम इनको लेते हैं और अपने पेट हाउस में फौरन निकलते हैं, वहाँ जाके अच्छे से देखेंगे। तो भाईजान पैक कर दें आप, पहले ही पार्सल कर देते हम, चलो सरप्राइज दिखा देते अपने पेट हाउस में जाके। चले कोई नहीं, अभी कर दे। दोस्तों काफी दिन बाद हम पेट मार्केट आए हैं, मौलवी साहब से भी आज ही मिले हैं। यार मंगवा दिए करें, जो चीज कहा करूँ, फौरन फौरन आ जाया करें। जो भी चीज हमें चाहिए होती ना, मैं इनको कह देता हूँ, लेकिन लेट कर देते हैं आने में यार। अब हमारे ये मग आ गई है ना, मैंने इनको डक्स का कहा हुआ था ब्लैक वाली। अंदर मैं एक चीज देखने के लिए आया हूँ, ये पैरट तो काफी ज्यादा है ना, ये ऐसे चीखते रहते हैं सारा दिन। और मैंने आपको ये दिखाने थे, इसकी लाइट ऑन करते हैं। लाइट तो ऑन करना यार मौलवी भाई। जब भी मैं पेट मार्केट आता हूँ ना, सबसे पहले इनको देखता हूँ, बहुत ही प्यारी लगती है। हम अपने पेट हाउस में ऐसा सिस्टम लगाएंगे, लेकिन अभी सर्दी बहुत है ना। पार्सल रेडी हो गया? ओके ओके हो गया जी, बहुत शुक्रिया। इसको हम जल्दी से पेट हाउस में लेके चलते हैं और आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। इधर रख दे आराम से यार, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुको, अभी आपको बाहर निकालते हैं। दोस्तों हम पहुँच आए अपने पेट हाउस में, जल्दी से डक्स को बाहर निकालते हैं, बेचारी तंग हो रही होंगी। आ जाओ यार, निकाल निकाल जल्दी निकाल यार। और चुप चुप, शोर क्यों मचा रहे हो? हमें भी दिखा। दिखाता हूँ अभी, चूहा कहाँ पे है? चूहा उस तरफ गया था। चला गया? हाँ। चलो ठीक है। दोस्तों कांटो वाला चूहा ना आजाद हो गया, जल्दी से इसको निकालते हैं, इसको खोल यार। वहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से देखा नहीं था, अभी हम बाहर निकालते हैं। आ जाओ यार बाहर आ जाओ, कहाँ रह गई हो यार? क्यों नहीं बाहर आ रही? पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। ये आ गई, ये दोनों बाहर आ गई है माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है यार। इनके सर पे ना ताज है और ब्लैक कलर में है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। चलो यार इसको ना पेट हाउस में ऊपर लेके जाते हैं, ये ना गट्टू में तंग हो रहे थे इसलिए मैंने जल्दी से बाहर निकाल दिया। इनको ज्यादा तंग नहीं करना, किस तरफ गई है? ये बैठी हुई है, ये आ गई। ओ तेरी, ये ना फ्लाई करके भाग भी जाती है आराम से, ज्यादा तंग नहीं करना, उस तरफ चली गई है। बस बस इधर ही खड़े रहो, इधर से आ जाएंगी यार, हमारे साथ खेल रही है, कभी उधर जा रही है कभी इधर आ रही है। एक तो ओ गई यार, इधर आओ। वही सब्जी के ऊपर नहीं चढ़ना आराम से। दोस्तों यार हमारे गार्डन में काफी ज्यादा सब्जी लगी हुई है, इनको पकड़ते हैं यार, ये तंग कर रही हैं।
पकड़ लो यार, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई यार, स्लिप हो रही है हाथ से, ये रही ये रही। दोनों ना थक गई हैं, अब इधर से हम आसानी से पकड़ सकते हैं। ये आ गई, ये आ गई, ओ जल्दी भाग के उस तरफ से आ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, इसके सर से पकड़, सर से पकड़ आगे से, हाँ ऐसे पकड़ के रखे, मैं अभी आ रहा हूँ, ज्यादा जोर से ना दुबाई। मेल को हमने पकड़ लिया, इसको पकड़ यार, ऊपर पेट हाउस में छोड़ के मैं दूसरी को लेके आ रहा हूँ, दूसरी वो सामने चली गई है। किधर आओ यार, गलती से तुम्हें इधर छोड़ दिए तेरी यार, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, वो फ्लाई करना चाह रही है, वो तो भाग गई, ओए बकरियों के नीचे आ जाएगी, और रुक रुक तेरी, ये क्या है यार, इतने ज्यादा पर पड़े हुए हैं, किसी चीज ने कोई अटैक तो नहीं किया यार, ये तो मुझे बत्तख के लग रहे हैं, देखने तो देख क्या चीज है ये, कैसे ही होते हैं, हाँ ये बड़े बतख है, व्हाइट बतख होते हैं जो बड़े वाले, जो हमारे पेट हाउस में भी हैं। यार इधर कैसे आ गई, यहाँ पे तो किसी की भी नहीं है, किसी बिल्ली ने शिकार किया होगा और यहाँ पे आके खाया होगा, और वो सामने थक के बैठ गई है, इसको पकड़ते हैं और जल्दी से लेके चलते हैं। चलो यार तुम्हारा मेल ऊपर चला गया, तुम इधर फंसी हुई हो, और तेरी यार बकरियों के दरमियान में चली गई, ओए डॉगी भी है, ओए ओए कुत्ता तो शरीफ सा है, शुक्र है वो खुद उठ के जा रहा है, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, आ गई 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 आ गई। फाइनली दोस्तों हमने इस मग को भी पकड़ लिया, बड़ा तंग किया यार, मैंने कैमरा बंद किया तो पकड़ी गई है, नहीं तो काफी तंग करी थी। दोस्तों इस पेयर को हमने पेट हाउस में छोड़ दिया, सारे पेट्स ना खाना छोड़ के ना परेशान हो गए, ये क्या चीज आ गई है, गब्बर आ गया, आ रहा है उनको मारना चाह रहा है यार, कोई भी हमारे पेट हाउस में न्यू चीज आती है गब्बर उसको मार के उसका स्वागत करता है। वो इसका दरवाजा किसने खोला है यार, अंदर तो रैबिट्स आ जा रहे हैं, इधर तो हमारा बगला था, बगला कहाँ गया है तेरी यार, इधर छुप के बैठा होता था, कहाँ चला गया है। जब हम पेट्स मार्केट जाने लगे थे तो यहाँ पे था यार बगला, मैंने खुद देखा था, पहली तरफ ना चला गया हो, इसका तो दरवाजा बंद है, इनको मैं खाना दे के गया था अलग से साइड पे। ओते दोस्तों यार पहले अरसलान लोग आए थे और उसके छोटे भाई आए थे हमारे बगले को देख रहे थे, उनसे जाके पूछता हूँ हमारा बगला उन्होंने कहाँ किया है, इन बच्चों के साथ खेल रहा होगा, उसने हमारा बगला छोड़ा होगा ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अरसलान अरसलान कहाँ पे है, वो चला गया यहाँ से, चला गया, हाँ जी चला गया। ओ यार तो यार ये बच्चा कह रहा है अरसलान ना बगले के पीछे लगा हुआ था इस लाइनों की तरफ, तो उससे बगला नहीं पकड़ा गया, नहीं भाई वो उससे बगला नहीं पकड़ा गया, और वो घर आया और उसने अपनी साइकिल उठाई और वो अपने घर चला गया, भाग गया वो जी, मतलब अरसलान ने भगा दिया बगले को, अब वो आएगा ना उसको छोड़ना नहीं है। ओए तू तो हमारे साथ नहीं गया था, तू तो इधर था, हमारा बगला कहाँ चला गया, अरसलान ने उड़ा दिया, उड़ा दिया उसने। यार हमने वीडियो बनाने थी, इतना वीआईपी बगला था, वो छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैंने आजाद करना था, मैंने नियत की हुई थी। दोस्तों आज तो सर्दी बहुत ज्यादा है यार, आज तो धूप भी नहीं निकली, और आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।